प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी जी को, उनकी स्पेशल गेस्टों की भारत की बेटी और हम सबकी चहेती दबंग नाजी अलाई खान जी, जो कि बात करेंगी पाकिस्तान में और भारत में रह रहे मजहब के ठेकेदारों पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। एक मौलाना साहब का बयान सुन रहा था, तो उसके अंदर वो बता रहे थे कि इस्लाम एक बहुत ही जो पीसफुल रिलीजन है और बहुत अमन और शांति वाला जो मजहब है, और मुसलमान भी इसी तरह की एक जो बहुत अमन पसंद कौम है। तो मेरे अभी आपको पता है कि ये 2-3 दिन से काफी ज्यादा चीजें जो है वो इस तरह की हो रही हैं कि पहले मॉस्को के अंदर अटैक हुआ, उसकी जिम्मेदारी जो है वो ISIS ने कबूल की, वो भी मुसलमान है। उसके बाद में अभी ये देखा आपने, भारत के अंदर दो जो है वो बच्चे छोटे से थे, उनका कत्ल कर दिया गया, उस कत्ल के पीछे भी मुसलमान का हाथ। अभी TTP ने पाकिस्तान के अंदर अटैक करके चाइनीज 5 जो है वो मार दिए गए, वो TTP वाले कौन है, वो भी मुसलमान है। और भी कार्रवाइयां TTP वाले करते हैं, और भी कोई भी जो भी काम होता है, BLA TTP जो भी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर है या दुनिया के अंदर जहां पर भी कोई भी इस तरह का वाकया होता है, तो पीछे मुसलमान ही होते हैं। तो सवाल मेरे माइंड में ये आया कि अगर हमारा रिलीजन, हमारा मजहब इतना पीसफुल है और मुसलमान इतने पीसफुल लोग हैं, तो ये इस तरह की सारी कार्रवाइयां मुसलमान ही क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, मैंने आज सुबह ही, मैं कल से देख रही थी कि आपके पाकिस्तान ने चाइना के भी 5 लोगों को सर तन से जुदा कर दिया, और अभी शायद अभी 59 मिनट्स पहले पता चला कि 3 लोग फिर से और सर तन से जुदा हो गए। अब चाइना तो आपका आखा था मुजफ्फर भाई, पाकिस्तान का तो आखा है चाइना, और चाइना की हर कुरनीति और वायलेंस, चाइना की हर बदतमीजी, चाइना ने जिस तरह से इस्लाम को बेइज्जत किया है, चाइना ने जिस तरह से अल कुरान को बेइज्जत किया है, चाइना ने जिस तरह से सुन्नत रसूल को बेइज्जत किया है, मुझे लगता है कि किसी ने उसका 1% भी नहीं किया होगा, किसी ने भी नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी चाइना को आप लोग हमेशा अपने मत्थे पर बिठा करके रखे रहे थे। अब आप लोग चाइना के भी लोगों के सिर तन से जुदा आपका पाकिस्तान बड़े बेखौफ होकर के कर रहा है। अब बात आती है कि पाकिस्तान में औरतें और मर्द, मुझे लगता है पजामे के अंदर चड्डी भी चाइना से ही मंगवा कर पहनती होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो किसी कर्म का है नहीं। जो मुसलमान कौम आज तक अपनी जिंदगी में एक सुई नहीं बना पाया, जो मुसलमान कौम आज तक अपनी पूरी जिंदगी में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाया, जो मुसलमान कौम आज तक किसी भी क्रिएटिविटी में या किसी भी तरीके के एडुकेशन में आगे नहीं बढ़ पाया, वो ये दावा करता है कि मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो और किसी से मत मांगो, क्योंकि वो हराम हो जाता है। तो भैया, आप डॉक्टर के पास काहे के लिए जाते हो, अपना घर इंटीरियर करवाने के लिए काहे के लिए बुलाते हो इंटीरियर डिजाइनर को, काहे के लिए जाते हो इंजीनियर के पास, काहे के लिए कोर्ट जाते हो, सारी चीजें खुद ही इस्लाम से निकाल लो। अब आपके यहाँ पब्लिक रिएक्शन आप लोग करते हैं, आप लोगों के यहाँ नौजवान लड़के 23 साल के 14 साल के 18 साल के 25 साल के लड़के क्या बोलते हैं, साइंस वाइंस कुछ नहीं होता है। तो वाकई में कुरान में हम बोलते जरूर है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है, पर क्या कुरान जब हम खोलते हैं तो इकरा पहले लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता, अलम तो शरीफ लिखा रहता है, इकरा तो है नहीं। तो देखिए, जिस देश में शिक्षा नहीं होगा वो देश लफंदरबाज पाकिस्तान की तरह ही होगा। अब देखिए, हमारे भारत में MIM अवेसी साहब का है, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लग रहा कोई लश्कर ए तैयबा चला रहा है, ऐसा ही फील होता है। मतलब क्या नाम रखे हो भैया, तुम कैसा नाम रखे हो? भारत संवैधानिक देश है, तुम उस देश में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमान के लिए इत्तेहाद करने के लिए तुम अपना पार्टी बनाए हो, तुम एक भी उसमें किसी इंटर रिलीजन को एंटर नहीं करते हो, और तुम पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेक्युलर नहीं है, वो मुसलमानों से नफरत करती है। तो तुम भी तो हिंदू से नफरत कर रहे हो, तुम कौन से दूध के धुले हो?
तुम भी तो गलत काम ही कर रहे हो। अगर तुम दूध के धुले होते तो तुम सारे धर्मों को बहुत मोहब्बत करते। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, अल जिहाद आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, ISII आपके यहाँ, TTP आपके यहाँ, अलकायदा आपके यहाँ, लश्कर-ए-तैयबा आपके यहाँ, उसामा बिन लादेन को आप रखते हैं। अच्छा, उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए पाकिस्तान ने तकरीबन दो डेकेड US को बेवकूफ बनाया। अमेरिका से पाकिस्तान पैसा लेता था। हाँ, आज तो एकदम सही टिप देंगे, आज तो एकदम जबरदस्त टिप देंगे, आप जाइएगा और उसामा बिन लादेन को पकड़ लीजिएगा, पर हुआ कुछ नहीं। अल्टीमेटली US को करना क्या पड़ा, खुद का एक कबूतर भेजना पड़ा और उसामा बिन लादेन को रंगे हाथ पकड़ना पड़ा। और US ने पाकिस्तान को दिखाया लाइव दिखा करके कि देखो हम पकड़ सकते हैं, तुमने मुझे बेवकूफ तो बना ही लिया। या एकदम रॉ लैंग्वेज में कहें तो मुसलमानों को बहुत अच्छे से पता है कि अपना बाप बड़ा ना भैया मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया कैसे किसको चू बनाना है, ये मुसलमानों को सबसे अच्छे तरीके से पता होता है। अब पाकिस्तान की एक बात मैंने बोली, अब देखिए भारत के टुकड़े करने में जिन्ना ने कितना डायबॉलिक माइंड गेम खेला, कितना डायबॉलिक माइंड, जिन्ना जिसको कुछ भी नहीं आता था, जिन्ना जो अपने दिमाग में हमेशा शैतानी दिमाग लेकर के घूमता था, जिन्ना जो कभी उर्दू जानता ही नहीं था, जिन्ना जो लोंडियाबाज था, जिन्ना जो सुअर का गोश्त खाता था बैठ करके, उसने क्या बनाया, उसने इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाया, इस्लामिक देश। और जिसके जिन्ना के अलावा कोई कभी पाकिस्तान उसके परिवार वाला रहा ही नहीं। और अभी जिन्ना के रिलेशन को देखिए, जो वैडिया परिवार से है, वैडिया परिवार से उनको देखिए भाई, वो अंग्रेज बने फिर रहे हैं। तो मुसलमानों से तो कोई संबंध था ही नहीं जिन्ना का, लेकिन उसको कबीला से उठ करके तख्त पर बैठना था और उसने गांधी को आराम से बेवकूफ बनाया। गांधी भी बेवकूफ बन गया क्योंकि नेहरू बहुत प्यारा था, नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाना था। तो इसलिए जिन्ना कोई भी क्रिएट ना करे कोई मुसीबत, इसके लिए एक पाकिस्तान देश बना दिया गया जिसमें सारे के सारे भारत से मुसलमान गए भी नहीं। अब आती है बात उसामा बिन लादेन को पनाह देना, पाकिस्तान का काम। दाऊद इब्राहिम को पनाह देना, पाकिस्तान का काम। ISI को पनाह देना, पाकिस्तान का काम। लश्कर-ए-तैयबा को पनाह देना, पाकिस्तान का काम। अलकायदा को पनाह देना, पाकिस्तान का काम। जिहाद के नाम पर ऑनर किलिंग करवाना, पाकिस्तान का नाम। ऑर्गन ट्रैफिकिंग करवाना, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का काम। लड़की बेटियां बेचना और खरीदना, पाकिस्तान का काम। जो बहुत खूबसूरत और बड़ी लचकीली बेटियां होती हैं उसको हनी ट्रैप का काम देना, पाकिस्तान का काम। पुलवामा अटैक करवा करके अपने हाथों को खून से रंगना, सेनाओं के खून से, भारत के सेनाओं के खून से रंगना, पाकिस्तान का काम। और आज जो कोई भी पाकिस्तान की तारीफ मेरे भारत में खड़ा होकर के करता है और उनका सहयोग जो लोग करते हैं भारत के, मैं तो यही कहती हूँ कि बेशरम कौम है, क्योंकि हम पुलवामा ना भूले थे, ना भूले हैं, ना भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। कश्मीरी पंडितों की बेटियों का नरसंहार, जेनोसाइड करना, पाकिस्तान का काम। हमारे जम्मू एंड कश्मीर को खून की नदियां और जिहाद का नंगा बाजार बनाना, पाकिस्तान का काम। जिसमें बेनजीर भुट्टो सबसे ज्यादा एक्टिव थे लश्कर-ए-तैयबा के नेतृत्व में, यासीन मलिक के जरिया भारत की शांति को भंग करना और कश्मीरी पंडितों को बेघर करना, उनका मर्डर करवाना, ये पाकिस्तान का काम। भारत के मुसलमानों के दिमाग में आज भी जिहाद को रखवाना, ये भी पाकिस्तान का काम है। क्योंकि देखिए अभी हालिया में यूपी में जो लारैब हाशमी ने एक मासूम बस कंडक्टर का गला रेता, वो क्या सुनता था, वो पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर को सुनता था। हमारे भारत में एक उच्ची सी 54-58 छाप एक एक्टर है सना खान, उसने अपने बेटे का नाम रखा है जूनियर तारिक जमील, पाकिस्तान का काम। अब वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम और चड्डी पहनते पहनते वो चली गई है दीन की दावत देने। भाई कोई ऐसे तो चड्डी से हिजाब में नहीं आता है, बिहाइंड द कैमरा कुछ तो बहुत बड़ा राज होता है, तभी कोई चड्डी पहनने वाली लड़की अचानक से हिजाब में आ जाए, ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात होती है। मैं अचानक से दिख जाऊं एक दिन कि मैं बड़ा हिजाब पहन करके आपके सामने बैठी हुई हूँ, तो आप भी सोचिएगा कि अचानक से नाजिया को क्या हो गया। तो मैं जो हूँ वो हूँ, वो सबके सामने हूँ। मैं आबूधाबी तकरीबन 3 बार विजिट की हूँ, आबूधाबी। तो आबूधाबी में जाने के बाद मैंने कई मोस्क विजिट किया जहां पर मुझे बाहर बोला भी गया कि इसमें हिजाब पहन लीजिए, जो लोग हिजाब वो रेंट पर देते हैं। मैंने कहा नहीं, जो मैं हूं मैं नहीं जाऊंगी वो ठीक है,
लेकिन मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को मैं इस तरह से उथल पुथल नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे से गिरगिट वाला काम नहीं हो सकता है। अब इसके लिए कोई मुझे ट्रोल करे, जो बैर करे, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अब गांधी जी से करोड़ों रुपए जिन्ना ने मांगे थे ना आजादी के बाद, उनको ब्लैकमेल करके, अब ये तो रिसर्च के द्वारा निकलेगा कि जिन्ना ऐसी कौन सा राज जानता था गांधी का जो वो ब्लैकमेल। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि पाकिस्तान को भी उधेड़ के रख दिया और खासकर भारत में जो मजहब के ठेकेदार है जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ओवैसी की, तो ओवैसी की पार्टी क्यों सिर्फ मुस्लिम्स को ही रिप्रेजेंट करती है जबकि भारत एक सेकुलर देश है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।